अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आलू की भजिया या आलू पकोड़ा जिसे बोलते हैं। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। ये एक इजी इवनिंग स्नैक होता है, आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज आलू लिए हैं। अब इनको स्लाइसेस में कट करेंगे। इसको बहुत पतली पतली स्लाइसेस हम बनाएंगे। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। सबसे पहले हम इन स्लाइसेस को ठंडे पानी में वॉश करेंगे। जो इनका स्टार्च है वो हम निकाल देंगे। हमें इनको 1 से 2 बार अच्छे से वॉश करना है। बैटर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कप बेसन लिया है। इसमें हम 1/2 कप चावल का आटा ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, इससे अच्छा कलर आता है। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हमें तब तक करना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी ना बन जाए। बहुत ही ज़्यादा मोटा बैटर भी नहीं रखना है, बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। स्मूथ सा हमें बैटर तैयार करना है जिसमें हम आलू को डिप करेंगे। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो हमारी आलू को कोट कर सके। अब हम इन स्लाइसेस को अच्छे से डिप करके कोट करेंगे इस बैटर में और इनको हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। हम एक एक करके सारे स्लाइसेस को डिप करके फ्राई करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ये देखिए हमारी जो इजी और क्रिस्पी आलू पकोड़े हैं वो तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।